पैशन प्रो कितने में देंगे? कहीं 25 में तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं, इसे 25 में नहीं दे रहा हूँ, मगर हाँ उसी लमसम में है, इसे मैं 29,000 में दे रहा हूँ और इसे मैं मात्र देने वाला हूँ 22,000 में। 22,000 इसे मैं मात्र 25,000 में देने वाला हूँ। 25,000 गाड़ी ठीक ठाक है, और इसकी बजट की बात करें इसे मैं मात्र 28,000 रुपए में देने वाला हूँ। बैटरी वाली गाड़ी है और ये माइलेज इसका कम से कम 100 का माइलेज देता है। 100 का माइलेज देता है? जी 100 का माइलेज। और इसकी कीमत की बात करें तो इसे भी मैं मात्र 25,000 रुपए में देने वाला हूँ। इंजन पे क्या गारंटी वगैरह होगा? इंजन पे इसपे भी हम लोग 2 महीने की गारंटी देंगे। 2 महीने की गारंटी आपको मिलती है अगर आप ये वाली बाइक लेते हैं। आप कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से वेलकम है मेरी YouTube चैनल पूजा ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सेकेंड हैंड बाइक का वीडियो होने वाली है रांची के रांची मोटर की। एड्रेस की बात की जाए तो कांटा टोली से आपको आना है नामकुम जाने वाले रोड में, और आपको मिलेगा ये मुबारक अपार्टमेंट। इसके नीचे आपको मिलेगा ये वाला शोरूम जहाँ पे आपको मिलेगा यूज बाइक। कैसा कंडीशन है इस पर, क्या धमाका लेकर आ गए, क्योंकि हमेशा ये कुछ तिकड़म लगाते हैं और इस पर क्या तिकड़म लगाएंगे नया साल में ये आपको बताऊंगी, और कैसा कैसा कंडीशन में स्कूटी और बाइक है ये भी दिखाऊंगी। रांची से हो, बाइक खरीदना चाहते हो, ढूंढ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप मेरे वीडियो को एंजॉय करोगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ के ऑनर से आपको मिलवाते हैं। चैनल पूजा ब्लॉग में कैसे हैं आप? बढ़िया। तो इस बार क्या तिकड़म लगाएंगे? इस बार भी जिस तरह का हमारा रांची मोटर्स का हमेशा रहता है, सस्ती से सस्ती गाड़ी, बढ़िया तो बढ़िया गाड़ी, इस तरह से हम इस बार दिखाएंगे। तो इस बार कुछ नया तिकड़म देखने को मिलेगा, जैसे पिछली साल 25 का मिल रहा था और इसके पहले 27 का, अब देखते हैं इस बार क्या लगाएंगे। तो एक बार एड्रेस बता दीजिए। ये काटा टोली से नामकुम जाने वाले रोड पे आधा किलोमीटर आप आगे बढ़िएगा तो यूनियन बैंक के अपोजिट देखिएगा, मुबारक अपार्टमेंट है, उसी के नीचे पे राजीव मोटर्स का हमारा शोरूम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कलेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो बहुत लोगों को डिमांडेड होता है, रॉयल इनफील्ड की थंडरबर्ड 350 कब का मॉडल होगा सर? ये 2018 की मॉडल की गाड़ी, रांची रजिस्टर्ड नंबर प्लेट के साथ आएगी। ऑनर कौन सा है? फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। क्या क्या इसका पार्ट चेंज है? पार्ट तो अभी कोई कुछ चेंज नहीं है, जो एज शोरूम में जो लगा रहता है बस वही चीज है, और गाड़ी पे किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। यानी कि ना तो टायर चेंज है ना सीट चेंज है, और इंजन पे क्या गारंटी वगैरह होगा? इंजन पे इस पे भी हम लोग 2 महीने की गारंटी देंगे। 2 महीने की गारंटी आपको मिलती है अगर आप ये वाली बाइक लेते हैं। आप जानते हैं कि क्या बजट में ये बाइक आप ले सकते हो? जी तो इसे 2018 की थंडरबर्ड को भी मैं रांची मोटर्स में मात्र 1,10,000 रुपए में देने वाला। 1,10,000 का इनका बजट है, और बजट फिक्स नहीं है? लगभग फिक्स ही है, फिक्स नहीं, लगभग फिक्स है। अच्छा, मतलब फिक्स प्राइस में आप इसको, आपके सब्सक्राइबर के लिए मैं देख लूंगा 1,000-2,000 रुपए का जो होगा। चलिए अगर चैनल के माध्यम से आप आओगे तो इसमें कुछ प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगा, और फाइनेंस में भी आप इसको ले सकते हो। जी हाँ, फाइनेंस भी हम करवा। चलिए तो अब आपको स्कूटी का कलेक्शन दिखाते हैं। पहले डेस्टिनी 125 ब्लैक कलर की स्टार्ट करते हैं, रांची रजिस्टर्ड नंबर प्लेट के साथ आएगी। कब का मॉडल होगा ये? 2019 की मॉडल है। 19 का मॉडल है। क्या रनिंग होगी सर इसकी? और इसकी रनिंग की बात करें तो ये मात्र 22,000 किलोमीटर। 22,000 क्या बजट में आएगी? और बजट की बात करते हैं तो इसे मैं मात्र 19 की गाड़ी 44,000 रुपए में दे दूंगा। यानी 44,000 इसका बजट है। एक्टिवा लेने वाले हो तो इसका क्या बजट होगा? 2017 की एक्टिवा है, और इसे मैं मात्र 42,000 रुपए में देने वाला हूँ। 42,000 जी, इसके बारे बताइए। नेक्स्ट ये एक्टिवा 5G है, 2019 की गाड़ी है, और इसकी रेट की बात करें तो इसे मैं मात्र 48,000 रुपए में देने वाला हूँ। 48,000 में अगर इसके बारे बात करें तो? नेक्स्ट ये एक्टिवा 5G है, लिमिटेड एडिशन में गाड़ी है, गाड़ी बहुत कम चला हुआ है, करीबन ये गाड़ी चला हुआ है 10,000 किलोमीटर। मात्र 10,000 किलोमीटर के रनिंग के साथ है, रांची रजिस्टर्ड नंबर प्लेट के साथ, फर्स्ट ऑनर होगी। हाँ, क्या बजट में आएगी? और इसकी बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 50,000 रुपए में देने वाला हूँ। 50,000 जी हाँ, मात्र। इसके बारे बताइए। नेक्स्ट है ये 2018 की एक्टिवा 5G है, ब्लैक कलर के, और ये भी चला हुआ वही 22-23,000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है। और ये कितने में देंगे? और इसे मैं मात्र 45,000 रुपए में दे, केवल 45,000 में। साइड में एवेंजर देख रही है, ये कब का मॉडल है? ये एवेंजर भी 2018 की गाड़ी है,
और ये कितने में आएगी? और इसकी कीमत की बात करें तो इस समय मात्र 55,000 रुपए में देने। 55,000 में। इसके अलावा यहाँ पे कुछ माइलेज बाइक भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि सबसे डिमांडेड है साइन SP, ये कब का मॉडल होगा? ये 2019 की मॉडल है। क्या रनिंग होगी इसकी? और इसकी रनिंग की बात करें तो ये मात्र 13,000 किलोमीटर चला हुआ है। रनिंग बहुत कम है, मॉडल आपको बता दिया गया है, क्या बजट में आएगी? और बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 7,000 रुपए में देने वाला हूँ। बहुत कम बजट में आपको मिल रही है, क्या माइलेज देगी सर ये? माइलेज की अगर बात करते हैं तो ये 60-65 की माइलेज मिल जाती है। 60-65 की। एक और साइन SP के बारे बताइए। और ये भी साइन SP 2019 की मॉडल है, और इसकी भी चली हुई की बात करें तो ये भी 13-14,000 किलोमीटर के आसपास ये भी चला हुआ है। और ये कितने में आएगी? और इसकी भी रेट की बात करें तो भाई 60,000 रुपये। 60,000। 150 के बारे बताइए। ये पल्सर 150 2019 की मॉडल है, और इसकी रेट की बात करें तो इसे मैं मात्र 58,000 रुपये में देने वाला हूँ। 58,000 जी। ओके, तो बहुत डिमांडेड है। G4 भी है ये, काफी डिमांडेबल गाड़ी है, और काफी लोगों का ये रिक्वायरमेंट भी हमारे पास में आ रहा था कि 4B लेके आइए, तो हम 4B भी लेके आए 2019 की मॉडल पे। और इसकी कीमत की बात करें तो इसे मैं मात्र 62,000 रुपए में देने वाला हूँ। 62,000 जी। इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सीट कवर आपका चेंज हो जाएगा जो कि थोड़ा सा स्क्रैचेस है। इसके अलावा ग्लैमर भी रखे हैं, क्या बजट में आएगा? ये 2015 की ग्लैमर है, और इसकी बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 40,000 रुपए में देने वाला हूँ। 40,000 जी। नेक्स्ट है ये प्लाटिना जी, माइलेज का बाप है जो। जी बिल्कुल, माइलेज के लिए काफी लोग पसंद करते हैं इसे, और जो कि ये 2019 की मॉडल होने वाली है, और चला हुआ का बात करें तो ये मात्र 21,000 किलोमीटर चला हुआ है गाड़ी। ये आएगा कितने में? और इसकी कीमत की बात करें तो मैं मात्र इसे 48,000 रुपए में। 48,000 में। अगर आप रांची में ढूंढ रहे हो प्लैटिना रूरल एरिया के लिए तो बहुत बेस्ट बाइक है, बहुत अच्छा माइलेज देता है, 60-70 से ऊपर ही माइलेज इसका होगा। 80+ है। 80+ है। तो आप लेना चाहते हो तो आप यहाँ विजिट करके देख सकते हो। इसके अलावा और भी स्कूटी का कलेक्शन है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे बताइए सर। ये डियो है, जो कि मार्केट में काफी रिक्वायरमेंट है, डिमांड है इस गाड़ी की, और ये भी ऊंचे मॉडल पे मैं देने वाला हूँ। 2022 की गाड़ी है। 2022 का है। इंश्योरेंस कब तक वैलिड होगा? इंश्योरेंस 22 का है, 2027 तक का। 27 तक मिलेगा इंश्योरेंस। क्या रनिंग होगी इसकी? रनिंग ये इसका मात्र 13,314 किलोमीटर चला हुआ। क्या बजट में आप दे देंगे? और बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 75,000 रुपए में देने वाला हूँ। 75,000 में। नए में क्या मार्केट में बजट चल रहा है इसका? नई में अभी कोई भी आपकी स्कूटी लेने जाते हैं 1,00,000 के ऊपर नहीं पड़ेगा। 1,00,000 के ऊपर पड़ेगा। और ये अच्छी कंडीशन में आपको मिल रहा है, आप यहाँ से ले सकते हो। वेस्पा भी है, कलर बहुत ही खूबसूरत है, ब्लैक कलर में, इसके बारे बताइए। 2017 की मॉडल है, और चला हुआ का बात करें तो ये 18,000 किलोमीटर चला हुआ है। 18,000 बस। ओके, टायर वगैरह भी अभी चलेगा, सीट की कंडीशन सही है, क्या बजट में आएगी? और इसकी बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 48,000 रुपए में देने वाला हूँ। स्कूटी पे इंजन का क्या गारंटी वगैरह? इस पे भी 2 महीने की गारंटी। इस पे भी 2 महीना की। एंटोर के बारे बताइए। एंटोर के ये रेस एडिशन पे है, और बाजार में इसका भी काफी डिमांड है। बिल्कुल जी हाँ। और ये एंटोर 2021 की गाड़ी है, और चला हुआ का बात करें तो ये मात्र चला हुआ है 14,000 किलोमीटर। क्या बजट में आएगा? और बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 75,000 रुपए में। 75। एक और एंटोर्क है, इसके बारे बता। ये 2020 की एंटोर्क है, और इसकी चला हुआ का बात करें तो 11,000 किलोमीटर चला हुआ है। यानी ये बहुत कम चला है, मात्र 11,000। इसका टायर का कंडीशन सही है, सीट भी सही है, क्या बजट में आएगा? और इसकी बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र देने वाला हूँ 75,000 में। चलिए और कलेक्शन है देखते हैं। ऑरेंज कलर में आपको डीओ चाहिए था, यहाँ पे अवेलेबल है। ये कब का मॉडल? ये 2021 की मॉडल है। क्या बजट में आएगी सर? और बजट की बात करें तो ये मात्र 72,000 रुपए में। यानी 26 तक इसका इंश्योरेंस भी वैलिड होगा। चलिए डुइट के बारे बताइए। 2017 की डुइट है, जैसा कि आप देख रहे हो, थोड़ा बहुत सीट कवर वगैरह ये सब हम लोग करवा के देंगे, बाकी गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक, और कहीं कोई फॉल्ट नहीं है। क्या बजट में आएगी? और ये 2017 की गाड़ी मैं मात्र देने वाला हूँ 30,000 में। इसके बारे बताइए। ये ओकिनावा की R30 है, बैटरी वाली है, और 35-40 किलोमीटर का एवरेज देता है ये, और इसे मैं मात्र 40,000 रुपए में देने वाला हूँ। 40,000 में। हाँ, साल भर की गाड़ी है। ओके, नेक्स्ट है ये मैग्नस है, 2021 की है, बैटरी वाली गाड़ी है, और ये माइलेज इसका कम से कम 100 का माइलेज देता है। 100 का माइलेज देता है। जी हाँ, 100 का। क्या बजट में आएगी? और बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 65,000 रुपए में देने वाला हूँ। 65,000। यहाँ एक एविएटर दिख रहा है, इसके बारे बता दीजिए। 2015 की एविएटर है, और इसे मैं मात्र 25,000 में देने वाला हूँ। 25,000। और डीओ है, इसके बारे बता दीजिए। ये 2017 की डीओ है, और काफी बढ़िया कंडीशन पे है। इसकी कीमत की बात करें तो इसे मैं मात्र 48,000 रुपए में देने वाला। 48,000 में। एक्टिवा आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे बताइए। ये 2016 की एक्टिवा है, 16 लास्ट की एक्टिवा है, और इसकी चली हुई की बात करें तो ये 21,000 किलोमीटर चला हुआ है।
और इसकी रेट की बात करें हम तो इसे मैं मात्र देने वाला हूँ 33,000 रुपए में। 33,000 एक्टिवा 5G भी है, इसके बारे बताइए। ये एक्टिवा 5G है, 2018 की मॉडल है और इसकी कीमत की बात करें तो इसे मैं मात्र 45,000 रुपए में देने। 45,000 इसके बारे बताइए। नेक्स्ट ये एविएटर है, 2015 की गाड़ी है, गाड़ी काफी बढ़िया है, थोड़ा बहुत डेंट वगैरह वो सब अगर कस्टमर कहते हैं तो उसे भी मैं करवा के दूंगा। और इसकी कीमत की बात करें तो इसे भी मैं मात्र 25,000 रुपए में देने वाला। सर डेंट का पैसा तो नहीं लगेगा? नहीं, इसका कोई पैसा नहीं। चलिए, जो बजट आपको बताया जा रहा बस उतना ही लगेगा और ट्रांसफर चार्जेस का कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, इसके बारे बताइए। नेक्स्ट है ये 2016 की एक्टिवा 125 है, टॉप मॉडल में है, डिस्क ब्रेक में है, आगे पीछे दोनों टायर नया है, बाकी बात गाड़ी सब कुछ ठीक ठाक। यानी इसका टायर चेंज किया गया है, क्या बजट में आएगी? और बजट की इसकी बात करें तो इसे मैं मात्र 35,000 रुपए में। 35,000 इसके बारे बताइए। ये एक्टिवा 125 है, 2015 की मॉडल है, गाड़ी ठीक ठाक है और इसकी बजट की बात करें तो इसे मैं मात्र 28,000 रुपए में देने वाला। 28,000 में ये प्लेजर एक देख रही है, 2012 की मॉडल की प्लेजर है और इसे मैं मात्र देने वाला हूँ 22,000 में। 22,000 इसके बारे बताइए सर। सिविलिटी स्ट्रीम है, 2013 की मॉडल की गाड़ी है और इसकी कीमत की बात करें तो इसे मैं मात्र 25,000 रुपए में देने वाला हूँ। 25,000 में मॉडल 13 का है लेकिन अभी भी कंडीशन में, आप चाहो तो ले सकते हो। डिस्कवर भी है, इसके बारे में बताइए। 2013 की मॉडल की डिस्कवर है और इसकी कीमत की बात करें तो इसे भी मैं मात्र 25,000 में देने वाला। 25,000 पैशन प्रो कितने में देंगे? कहीं 25 में तो नहीं दे रहे? नहीं नहीं, इसे 25 में नहीं दे रहा हूँ, मगर हाँ उसी लमसम में है, इसे मैं 29,000 में दे रहा हूँ 2013 की लास्ट की। थोड़ा सा बजट बढ़ाइएगा तो ये वाला भी आपको मिल जाएगा, 13 का लास्ट है। जी हाँ, इसके बारे बताइए। नेक्स्ट है एक्टिवा 125 है, 2018 की मॉडल है और इसकी कीमत की बात करें इसे मैं मात्र 35,000 रुपए में देने वाला हूँ। 35,000? जी हाँ, इसके बारे बता दीजिए। नेक्स्ट है ये 2017 की मॉडल की एक्टिवा है और इसे भी मैं मात्र 35,000 में देने वाला। 35 यानी 25 और 35 का कुछ बिगड़म है, बीगो भी है, ये कितने में देंगे? ये तो लग रहा बहुत सस्ते में मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसे भी वही तिगड़म वाला रेट है इसका 25,000 रुपए, 2015 की भी 25 में मिलेगा। हाँ, मगर मॉडल आपका ऊंचा मिलेगा इसके, 2015 का मॉडल है। 15 का मॉडल है, 25 में आपको मिल जाएगा। सर कलेक्शन तो बहुत अच्छा था, बजट भी थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। ये बताइए अगर किसी को फाइनेंस कराना है तो कितने मॉडल के ऊपर की गाड़ियाँ फाइनेंस होंगी? 2016 से ऊपर की जो भी मॉडल रहेगी उसमें फाइनेंस यहाँ पे करवाऊंगा। कितना डाउन पेमेंट करना पड़ता है? डाउन पेमेंट गाड़ी का जो भी रेट रहेगा उसका 35% डाउन पेमेंट लगेगा, बाकी बात 65% पे हम लोग फाइनेंस करवा देंगे। कर देते, क्या डॉक्यूमेंट लेकर आना? डॉक्यूमेंट की बात करें तो 4 डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, एटीएम कार्ड। ओके, इसके अलावा ट्रांसफर चार्जेस अलग से कितना देना पड़ता है? ट्रांसफर चार्जेस जिसकी गाड़ी अगर कैश पे है तो 3,000 रुपए लगने वाला है, फाइनेंस पे है जिसकी HPA चढ़ा रहता है जिसमें उसमें 4,000 रुपए, और गाड़ी अगर आप फाइनेंस करके ले रहे हैं तो उसमें 5,500 रुपए चार्ज लगता है। यानी कि दोनों ऑप्शन है, आप देख सकते हो जब भी आप कोई भी बाइक या स्कूटी लोगे फाइनेंस का भी ऑप्शन है, और आप में से बहुत लोगों को सेकेंड हैंड बाइक या स्कूटी चाहिए था लेकिन फाइनेंस में तो रांची मोटर में मिलता है, आप ले सकते हो। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर कमेंट कीजिए, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।